हे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापनीज विद पूनम में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम में आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 6। मिन्ना नो निहोंगो ये बुक हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें से लेसन नंबर 6 का हम देखेंगे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर कांजी। तो दोस्तों मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद में वहाँ पे एक बेल आइकॉन है, उसे भी जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि आगे चल के मैं जो वीडियो यहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो मीनासान, मैं हूँ राधिका और जेएलपीटी मराठी में मैं आप सब लोगों का बहुत ही मन से स्वागत करती हूँ। सो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन 6 का वोकैब। लास्ट टाइम हमने देखा था N5 लेसन 5 का वोकैब, और वो भी हिंदी में। सो अभी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेसन 6 आज हम देखने जा रहे हैं। जा हजमे मशो। ओके, सो पहला शब्द है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पेन ले लेती हूँ। यस, तो क्या है पहला शब्द? शाशिन ओ तोरीमास। शाशिन ओ तोरीमास मीन्स फोटो निकालना, फोटो खींचना। ओके, इस तरीके से कहा जाता है। सो ये इसी वर्ब के साथ आता है, शाशिन ओ तोरीमास मीन्स टू तोरू, तोरू मीन्स टू टेक। ओके, सो ऐसा ही कहा जाता है, शाशिन ओ तोरू, शाशिन के साथ यही वर्ब आता है। सो गिव आई मास, रूट वर्ब है आउ मीन्स टू मीट, मिलना। ओके, मिलना, फ्रेंड को मिलना या फिर माँ बाप को मिलना, पेरेंट्स को मिलना, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो आई मस, ओके आई मस। अथवा गोहान, गोहान व अ मिल मीन्स खाना, खाना, और कुक राइस ऐसा भी कहा जाता है। सो वाताशिवा गोहान द दाइस की दस, मुझे राइस बहुत ही पसंद है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। सो एनी काइंड ऑफ मिल ऐसा भी कह सकते हैं हम। अथवा बांगोहान, बांगोहान व सपर दस मीन्स रात का खाना, रात का खाना, इस तरीके से हम कह सकते हैं। सुगी बस, सुगी वा हीरू गोहान, हीरू गोहान वा जो दोपहर का हमारा खाना होता है वो हीरू गोहान। सो इस तरीके के वर्ड्स है। सुबह का ब्रेकफास्ट जो होता है उसे हम कहेंगे आसा गोहान। ओके, उसके बाद आता है दोपहर का खाना, इसे हम कहेंगे हीरू गोहान। ओके, जो सफर होता है उसे हम कहेंगे बांगोहान, या फिर रात का खाना ऐसा भी हम कह सकते हैं। ओके, जा आसा गोहान, आसा गोहान व ब्रेकफास्ट दिस। ओके, जो सुबह सुबह हम नहाने के बाद हम जब फ्रेश होते हैं उसके बाद जो करते हैं कोरे व ब्रेकफास्ट दिस। अथवा शिमास, शिमास मीन्स टू डू, कुछ भी करना। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, बहुत सारे शब्दों के साथ यही वर्ब ज्यादातर यूज किया जाता है। सो ये ध्यान में रखना है, और इसका रूट वर्ब है सुरू देस। ओके, सुरू, सुरू आणि शिमास देस, हाय सुगी देस। अतोनो कोतोबा व मिजू देस, मिजू मीन्स वॉटर, ओके पाणी। अथवा ओचा मीन्स टी और ग्रीन टी, कौन सा भी हम कह सकते हैं। ओके, ग्रीन टी या फिर जस्ट अ ट्री। सुगी वा कोचा व ब्लैक टी देस। सो ओचा इज अ नॉर्मल टी और कोचा वा ब्लैक टी देस। ओके, सो ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए। सुगी वा नान देस का, सुगी नो कोतो बाबा ग्यू न्यू, दोनी, दोनों क्या है, प्रोलॉन्ग है। और मिरुकु ये भी कहा जाता है, काताकाना वर्ड भी है और हिरागाना भी वर्ड है, दोनों आपको ध्यान में रखना है। उसका अर्थ है मिल्क, ओके दूध। अथवा जूस, जूस व जूस वेस। बीरु व बियर वेस, बियर। अथवा ओसाके या फिर साके ऐसा भी हम कह सकते हैं, ओसाके साके व अल्कोहल वेस या फिर जैपनीज राइस वाइन, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं। सो अथवा तेगामी, तेगामी मीन्स लेटर, लेटर। रिपोर्टो, सो रिपोर्ट,
और अहवाल ऐसा भी हम कह सकते हैं। सो ये जो है ये बहुत सारे काताकाना के वर्ड्स है, ये आपको क्या करना है, मेरे बाद आपको दोहराना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको भी उसके साथ दोहराना है, रिपीट करना है, मेरे बाद आपको बोलना है, उसके बाद ही ये जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी आदत हमें पड़ सकती है। ओके, और आपके समझ में आ गया होगा कि काताकाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिरागाना के साथ साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट काताकाना लिपि है, उसके भी क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आते हैं। सो हिरागाना जितना हम स्टडी कर रहे हैं उतना ही काताकाना का भी स्टडी हमको करना है। हाय सुगिदस सुगिनो कोतो बावा शाशिन, सो ये हमने पहले ही देखा था, शाशिन ओ तोरीमास मीन्स फोटो निकालना, फोटो खींचना। सो शाशिन अगर सिंगल ही वर्ड आता है तो होता है फोटो, अथवा मिसे, मिसे व शॉप, एनी काइंड ऑफ शॉप, एनी काइंड ऑफ दुकान ऐसा हम कहेंगे। रेसु तोरान व रेस्टोरेंट दिस, रेस्टोरेंट। निवा व गार्डन दिस ने, गार्डन। सुगीवा सुगीनो कोतोबावा शुकुदाई, शुकुदाई मीन्स होमवर्क, जो घर में किया जाता है वो होमवर्क दिस। ओके, सो आप पूछ सकते हैं सेंसेई शुकुदाई वा नान देस का, सो होमवर्क क्या है, और मैं भी पूछ सकती हूँ शुकुदाई वा ओवारीमास का, आपने फिनिश किया है, ओवारू मीन्स टू फिनिश दिस। सो शुकुदाई ओ शिमास, सो अभी देखो यहाँ पर भी शिमास करके ये वर्ब आया है, जो पिछली साइड में हमने देखा था शुरू, शिमास मीन्स टू डू, सो शुकुदाई ओ शिमास मीन्स होमवर्क करना। So, इस तरीके के साथ इसके साथ भी आया है, जैसे मैंने कहा था ये शिमास शुरू, ये जो वर्ब है वो बहुत शब्दों के साथ आता है। अथवा तेनिसु, तेनिसु, तेनिसु ओ शिमास। ओके, सो ये ध्यान में देना, मीन्स प्ले टेनिस, टेनिस खेलना। अथवा सक्का व सॉकर या फिर फुटबॉल, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। इसके साथ भी आया है साक्का ओ शिमास मीन्स प्ले फुटबॉल। सो अभी के अभी हमने तीन वर्ड्स ऐसे देखे कि वो शुरू मीन्स शिमास के साथ आ रहे थे। ओके, इसलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ब है। अथवा ओ हनामी, ओ हनामी, सो हनावा फ्लावर्स दिस, और हनामी मीन्स जापान का जो बहुत ही फेमस फूल जो है वो क्या है, करेक्ट, साकुरा दिस, नहीं साकुरा, सो चेरी ब्लॉसम व्यूइंग हनामी। सो हनामी एक तरीके का फेस्टिवल ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उसके जैसा मींस बहुत ही फेमस ऐसा ओकेजन होता है जिस दिन वो देखने के लिए बहुत सारे लोग ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, साथ में अपने टिफिन बैग्स, और बहुत ही एंजॉय, इस पेड़ के नीचे बैठ के बहुत ही एंजॉय करते हैं, और ये जो सकुरा है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप थोड़ा सा उसे देख सकते हो। सो उसे भी देखो, ओ हनामी ओ शिमास उसके साथ आया, मीन्स गो चेरी ब्लॉसम व्यूइंग, सो चेरी ब्लॉसम देखने के लिए जाना, इस तरीके के से हम कह सकते हैं। सुगीवा नान देस का, यस सुगीनो कोतोबावा नानी, अगर आपको कहना है मीन्स व्हाट, क्या है, नान देस का, सो नानी, नानी ओ शिमास का, आप क्या कर रहे हो, नानी ओ शिमास का। अथवा इशोनी मीन्स टुगेदर, ओके, सो काजोकु तो इशोनी फैमिली के साथ, तोमोदाची तो इशोनी फ्रेंड के साथ, इस तरीके के हम इशोनी का यूज कर सकते हैं। सो ये ऑब्वियसली ऑलमोस्ट बहुत बार ये तो के साथ ही आता है, तो इशोनी मीन्स विथ, ऐसा सेंस उसमें आ जाता है। अथवा चोत्तो, चोत्तो व लिटिल दिस ने, अ लिटिल वाइल, अ लिटिल बिट, थोड़ा, बहुत ही थोड़ा। सो चोत्तो मत्ते कुदासाई, थोड़ी देर आप वेट कर सकते हो, थोड़ी देर, सो चोत्तो दिस। इत्सुमो, इत्सुमो व ऑलवेज, ऑलवेज, सो इत्सुमो, सो इत्सुमो क्या कह सकते हैं, ऑलवेज मिरुकु ओ नोमिमास, सो मैं बहुत ऑलवेज क्या करता हूँ, दूध पीता हूँ। ग्यू न्यू, ये भी वर्ड हमने सीखा है, सो ये भी उसके साथ आ सकता है। सो इत्सुमो, चोत्तो, नानी, इस स्लाइड के सभी शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिखने में छोटे दिखते हैं लेकिन इसका यूसेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुगिनो कोतोबावा टोकी डोकी,
टोकी दोकी मीन समटाइम्स, ओके, सो टोकी दोकी साक्का ओ शिमास, सो मैं कभी कभी क्या करता हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ, ओके, सो टोकी दोकी यूज कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो. सोरे कारा मीन्स आफ्टर दैट, सोरे कारा, सो एक जो एक एक्शन पूरा हो गया है और उसके बाद मीन्स आफ्टर दैट, सो सोरे कारा उसके बाद. ए मीन्स यस, ओके, सो अभी यहाँ पर क्या है, अगर यही शब्द इस तरीके से आता है ये, सो ऑब्वियसली इसका अर्थ होता है नो. क्या अर्थ होता है? नो. सो अभी इस लेटर में ई नहीं है, सिर्फ ए है, ओके, सो ये ध्यान में देना है. ये खाइवा मीन्स कॉन्वर्सेशन जो होता है, चौकाई का जो हमारा पेपर होता है उसमें इस तरीके के एक्सप्रेशन आते हैं, सो हमें ध्यान से सुनना है ई ए ए, सो डिफरेंस समझ में आना चाहिए, बिकॉज ई ए मीन्स नो और ए मीन्स यस, सो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, सो ध्यान से सुनना होगा. अथवा ई देसने, ई देसने मीन दैट्स गुड, दैट्स गुड, सो मेरी प्रमोशन हो गई है ई देसने, सो दैट्स गुड, सो बहुत ही पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, सो आप यूज कर सकते हो. वकारी माश्ता मीन्स यस, आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ गया है, सो मैं भी आपको पूछ सकती हूँ, मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं क्या, वकारी माश्ता का, वकारी माश्ता का, सो समझ में आ रहे हैं क्या, सो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं. जा सुगिनो कोतोबावा नान देस्का मीन्स अगला शब्द क्या है, सुगिनो कोतोबावा नान देस्का, यस, सो एक्सप्रेशन यहाँ पर आ गया, देखो नान देस्का, ओके, सो नान देस्का मीन्स व्हाट, व्हाट हैपेंड, इस तरीके के साथ भी आ सकता है, हम पूछते हैं नान देस्का, नान देस्का मीन्स व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, ओके. जा माता आश्ता, सो जा माता मीन्स सी यू टुमारो, जैसे मैं आपको कह सकती हूँ कि हमारा लेसन 6 अभी खत्म हुआ है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जा माता ने, जा माता, सो इस तरीके के साथ ये एक्सप्रेशन यूज हो सकता है. अथवा मेक्सिको, मेक्सिको व मेक्सिको, दिस मेक्सिको. अथवा ओसाका जो को एन, जो को एन मीन्स ओसाका का कैसल पार्क, कैसल पार्क. सो अभी ये जो या अगले शब्द जो स्टार्ट होंगे ये किसके रिलेटेड होंगे, इस लेसन का जो खाइवा है या फिर इस लेसन में जो एंड में जो ये आता है ना, एक छोटी दुक्काई होती है उसमें, उसके रिलेटेड ये शब्द होते हैं, मेक्सिको या फिर ओसाका जो को एंड दिस, ओके, सो वो जो रेफरेंस है उसे उसे हम वहां पर समझ सकते हैं. यस, सो लेसन 6 का इतना ही वोकैब था, सो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो वो प्रैक्टिस हो सकती है. ग्रामर से पहले आपको वोकैब को एक बार जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि उसके बाद ही ग्रामर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है. हे दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ऐसा लगता है जापनीज विद पूनम ये जो चैनल है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपको बहुत फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपके लिए JLPT N5 N4 और जापान की जो स्कॉलरशिप है, जापान के जो अलग अलग प्लेसेस है, उनके वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूं. और हाँ दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल आइकॉन है तो उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा.